लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे सीएम योगी ने गोरखपुर में मतदान किया। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने वोट डालने से पहले काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने वोट डाला। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिलेंगी। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मतदान करने के बाद कहा कि इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। 144 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला कैंडिडेट है। 2.5 करोड़ वोटर्स इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावर्सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है।